आपने अपने पुरस्कार के पैसे समधन जी को देकर बहुत अच्छा किया बेटा। हम लोग बहुत खुश हैं बेटा, बहुत खुश। हाँ बेटा, आज आपने ऐसा करके अपने ससुराल में हमारा मान बढ़ा दिया। हम तो धन्य हो गए बेटा, आपकी जैसी बेटी ने आज हमारे घर में जन्म लिया। नहीं माँ, खुशनसीब तो हम हैं कि आप दोनों ने हमें ऐसी शिक्षा दी जिससे हमेशा हमें सही फैसला लेने में मदद मिली, और आप दोनों ने हमेशा उस फैसले का साथ दिया। और हाँ, अगर हमने सोच लिया है कि हम लखनऊ वाले घर को नीलाम होने से बचाएंगे, वो होकर ही रहेगा। और हमें पूरा यकीन है कि हम और आकाश मिलकर फिर से पैसे कमाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए बेटा, हमें कोई चिंता नहीं है, आप पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं बेटा, आप जो कुछ भी करेंगी ना, बहुत सोच समझ कर करेंगे और बिल्कुल सही करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा बाबूजी आपने। भाई पूनम जी जहां होंगी ना, वहां चिंता करने की कोई बात नहीं। और वैसे भी बैंक के 15 दिन बाकी हैं, तब तक मैं और पूनम जी मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, है ना पूनम जी? हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो पूनम जी, मैंने वो एक डायरी में कुछ नंबर लिखे थे तो वो मिल नहीं रही है, आप जरा बता देंगे? वो कमरे में है, कबर्ड में। आप चलिए, हम आपको देते हैं। वंदना जी, आपने गौर किया, आजकल हमारी बेटी पूनम आकाश जी को तुम करके नहीं, आप करके बुलाती है। बिल्कुल गौर किया। कुछ दिन की दूरियां इन दोनों को कितनी करीब ले आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कितने खुश लग रहे हैं ना दोनों। आप जाकर कहीं सही मायने में ये दोनों पति पत्नी बने हैं, भगवान का लाख लाख शुक्र है। इससे बड़ी खुशी की बात हम दोनों के लिए क्या हो सकती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं वसुमा जी, भगवान करे इन दोनों के प्यार को किसी की बुरी नजर न लगे। दीदिया, इन बसों से तो मेरी नजर ही नहीं हट रही है। एक झटके में। दीदिया, मैं तो पूनम का कायल हो गया हूँ। अपने जिन गुणों की वजह से सर्वगुण नंबर वन बनकर लौटी है ना, वही गुण आज उसने सारे घर वालों को दिखा दिए आते ही। ये तो मानना पड़ेगा। क्या कर रही है माँ जी? जिस लाख रुपए से भरा बैग देखने में कितना अच्छा लगता है ना माँ जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलो, उसकी मुझ से हमारे काम तो आई, अब ये सारा पैसा हमारा है। हमारे तो है, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है बहू, कि इतने सारे रुपयों का हम करेंगे क्या? माँ जी ये पूछिए क्या नहीं करेंगे। साड़ी, जेवर, ब्यूटी पार्लर, होटलों में खाना पीना, और भी तो कितने काम है करने के लिए। विदेश जरूर जाएंगे। ठीक है, पर मेरे लिए क्या है? साड़ी मैं पहनता नहीं, जेवरों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, और विदेश जाने के लिए पासपोर्ट मेरे पास है नहीं। और दीदिया, तुम मेरे लिए पैसे ना नगद दे देना मेरे हिस्से के पास। अरे बच्चों जरा धीरज रखो, इतना हड़बड़ाओ मत। ये सब पैसे हमारे अपने हैं, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। हम सबकी इच्छाएं पूरी होंगी इनसे। हाँ पर दीदिया, ये पैसे तो अब हमारे हाथ में और उनका घर बैंक के हाथ में है, जो कि कभी छूटेगा नहीं।
पर उन कंगालों से फिर आप पीछा कैसे छुड़ाया जाए? माँ जी, मेरी मानिए तो दोनों बुड्ढे बुढ़िया को यही रख लीजिए, सुबह शाम तो टुकड़े ही तो रोटी के फेंकने हैं, और इसी बहाने में अच्छे खासे नौकर भी मिल जाएंगे। मैं तो कहती हूँ 1000-1500 रुपए की तनख्वाह बांध देंगे ना, तो इस घर से जाने का नाम नहीं लेंगे दोनों। वाह, क्या बात कही करो। एक काम करती हूँ, इन पैसों से क्या क्या खरीदना है मैं जाकर उसकी लिस्ट बना लेती हूँ। शुभ काम भी देरी क्यों? अरे दीदिया, ये मनु मुझे पूरे पैसे हड़पने के चक्कर में दिख रही है। सुनो सबके, करो मन की, मेरा ये गुरु मंत्र है, आगे देखो बच्चू होता है क्या। इन पैसों का होगा वही जो मैं चाहूंगी, और सिर्फ मैं। आकाश, पैसा इकट्ठा करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कितने रास्ते हैं, उसकी हमने ये लिस्ट बनाई है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि हमें कोई भी रास्ता मिला है। अब आप ही बताइए, हम क्या कर सकते हैं? पूनम जी, हम ऐसा करते हैं, हम भी एक लोन ले लेते हैं। मतलब एक लोन लेकर दूसरे लोन का पैसा देंगे? नहीं आकाश, आप ठीक से सोचिए ना। आकाश बताइए ना। पूनम जी, वो हम चीजें बेचकर पैसे कमा लेते। बेचकर क्या बेचेंगे आकाश? तकिए, ये पर्दा बेचते। आकाश, आप क्या कह रहे हैं? आपका ध्यान कहाँ है? वो पूनम जी, बाबूजी से पैसे ले लेंगे ना हम। बाबूजी से? इतनी बड़ी रकम हम बाबूजी से कैसे मांग सकते हैं? आप हमारी तरफ देख के बात कीजिए ना। पूनम जी, वो Thank you.
20 लाख हाई नजर ना लगे। निम्मा निम्मा इससे पार निम्मा पैसा माफ कर दीजिए ना परी रानी, वो क्या है एक नोट थोड़ा ज्यादा। एक काम करते हैं ना परी रानी, सीधा वो आधा 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 कर लेते हैं, क्या कहते हैं वो इंग्लिश में ना, वो 50-50 मेरी जिंदगी भी बन जाएगी, है ना 50-50। शांत हो जा दुष्टिनी चोर, कभी जीवन में पैसा नहीं देखा क्या तूने? देखे नहीं, नहीं नहीं मेरा मतलब है नहीं देखे, दया की भीख समझकर थोड़े से पैसे मुझे दे दीजिए। 50-50 थोड़ा सा और 50-50। दूर हो जा मेरी नजरों से, जा लालची कहीं की, पैसे दूर हो जा, पैसे दोस्त 50-50 मनी 50-50 परी रानी मनी 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 चोर, जब देखो तब मेरी सुनहरी किस्मत पर अपनी बुरी नजर डालना चाहती है। ये सपना तो सच करना ही पड़ेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।